जीतने वालों को मेरा सलाम। 18 साल के लड़के ने रात को 3 बजे रोते हुए अपने कोच को फोन किया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे रणजी टेस्ट मैच में बैटिंग जारी रखनी चाहिए या नहीं। लड़का दुखी था क्योंकि उसके पिताजी उस रात नहीं रहे। पिताजी का सपना था कि वो लड़का इंडिया के लिए खेले। वो अपनी फैमिली और टीम दोनों को सपोर्ट करना चाहता था। अगले दिन उसने 90 रन बनाए। उसकी बैटिंग देखकर वेंकटेश प्रसाद कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने रन बनाए, लेकिन फर्क पड़ता है कि किस तरह से उसने अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दिया। आज विराट कोहली के रिकॉर्ड्स और उनकी सफलता की चमक में उनके जीवन भर की मेहनत और डेडिकेशन नहीं दिखती। उनके बारे में जानने के लिए मैंने 2 किताबें और कई इंटरव्यू पढ़े, और कुछ बातें एकदम साफ साफ हैं। पहला, क्वेस्ट फॉर ग्रेटनेस। जो आज हम फील्ड पर विराट का स्किल और इंटेलिजेंस देख रहे हैं, वो उनकी 20 साल की मेहनत है। 8 साल की उम्र में विराट क्रिकेट के दीवाने थे। वे हर दिन ट्रेनिंग के लिए सुबह सुबह ग्राउंड पर पहुंच जाते और शाम को कोच को जबरदस्ती विराट को घर भेजना पड़ता। बचपन से ही विराट कभी मेहनत से नहीं कतराए, वे हमेशा और सीखना चाहते थे। छोटे से विराट क्रिकेट टेक्निक और स्ट्रेटजी को लेकर कोच से बहुत सवाल पूछते, इतने कि कोच के पास जवाब नहीं होते। डेनियल विटोरी कहते हैं कि आज भी विराट आईपीएल में बाकी प्लेयर्स से सीखते और डिस्कस करते रहते हैं। एटीट्यूड। विराट के अंडर 12 टीम के कोच कहते हैं कि जहां बाकी सब लोग हार से भागते हैं, वहां विराट को हारने का डर नहीं लगता, लेकिन वो जीतने के लिए पागल हैं। विराट हमेशा चैलेंजेस को लेकर एक्साइटेड रहते हैं और हर प्रॉब्लम को जीतना चाहते हैं। मेंटल टेनेसिटी। विराट की माँ कहते हैं कि उसके पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद से विराट में कुछ बदल गया था। उस दिन के बाद वो काफ़ी शांत और फोकस्ड हो गया। उस क्रिकेट मैच के बाद से उसे अपनी विल पावर और दृढ़ इच्छा शक्ति पर विश्वास हो गया था। उस दिन उसने जान लिया कि वो अपने दम से किसी भी प्रॉब्लम को जीत सकता है, और यही आत्मविश्वास उसे बाकी से अलग करता है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अपनी डाइट को लेकर विराट कहते हैं कि जब 12 किलो कम करने के लिए डाइट चेंज की तो रात को इतनी भूख लगती थी कि सोचता था चादर ही खा जाऊं। बड़ी मुश्किल से आदत पड़ी। विराट कोहली कहते हैं कि अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है तो बोरिंग होना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना होगा। इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ मोर लाइक ईट, स्लीप, ट्रेन, रिपीट। अगर मैं और आप ये 4 क्वालिटीज अपने अंदर ला सके तो अपने और आसपास कितना कुछ बदल सकते हैं। विराट अपने खेल और वर्क एथिक से सबको इंस्पायर कर रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे ये क्वालिटीज इंडियन टीम के अंदर आती जाएंगी, वैसे वैसे इंडिया एक अपराजेय टीम बनती जाएगी। अगर विराट को सच में फॉलो करना चाहते हैं तो उनके वर्क एथिक और एटीट्यूड को फॉलो कीजिए। दोस्तों, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।